हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं आपका अपना डीटीवी व्लॉग्स। तो आज की इस वीडियो में अपन अपनी साइकिल के अंदर लगाने वाले हैं ब्रेक। तो कौन से ब्रेक लगाते हैं, कौन से आपको बता दूंगा मैं, कौन से ब्रेक लगाने वाले हैं। आगे वाले ब्रेक नहीं लगाएंगे, अपन लगाने वाले हैं ये वाले ब्रेक्स। तो पहले इनको थोड़ा क्लीन करते हैं। यहाँ पे अपन ने रीपेंट कर रखा है और पेंट देख सकते हो कितना मस्त दिख रहा है। तो पहले तो इनको जो इनको वॉश करते हैं, ये मिट्टी विट्टी हटाते हैं अच्छे से, और मिट्टी हटा लेते हैं। तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी साइकिल के ब्रेक। ब्रेक की कुछ ऐसी हालत है, ये देखो पुराने ब्रेक दिखा रहा हूँ अभी। ये पुराना ब्रेक है, यहाँ वाला था, वो ब्रेक मैं निकाल रहा था तो वो ब्रेक टूट गया, वो वाला ब्रेक टूट गया। और अब दोनों अपन लीवर चेंज करेंगे, दोनों वायर और दोनों नीचे से जो ब्रेक यहाँ पर डलते हैं, लीवर क्या बोलते हैं उनको मेरे को पता नहीं है, वो दोनों भी अपन चेंज करेंगे। और साइकिल का पेंट होने के बाद साइकिल मस्त ही दिख रही है अलग। और एक और दिक्कत आ गई है साइकिल में, ये टायर देखो, यहाँ से यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं है, तब ये चल रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है टायर, ये देखो इधर कर रहा हूँ तो ये हो रहा है। तो आई थिंक ये वाला नट जो है ये लूज हो गया है, तो इस नट को भी टाइट कर देंगे अपन। और आगे से साइकिल की हालत देख सकते हो, बहुत बुरी हो रखी है, बहुत गंदी हो रखी है। तो पहले तो अपन इसको वॉश करते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ कौन से ब्रेक डाल रहा हूँ, कौन सी कंपनी के हैं। ऑलराइट गाइस, तो इसके अंदर अपने ब्रेक का सामान पूरा, फ्रंट और बैक दोनों इसके अंदर ब्रेक है। तो अभी निकालते हैं इसको बाहर। एक और रह गया इसके अंदर कुछ। ऑलराइट, तो ये है बैक वाली गियर की स्प्रिंग्स। बेसिकली यही खराब हो गई थी इसलिए मेरे को ये चेंज करना पड़ रहा है। और ये है पूरे ब्रेक ब्रेक पैड, इनको कहते हैं पावर ब्रेक, तो ये पावर ब्रेक होते हैं। और दूसरे हैं वी ब्रेक, जो कि मेरी साइकिल में ऑलरेडी लगे हुए हैं। और उनको कैसे डालते हैं उसके ऊपर अपन अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल अपन डालने वाले हैं ये वी ब्रेक की वगैरह, मतलब जो आगे लगती है ऐसे कच करके। तो इनको एक बार साइड में रख देते हैं। और एक ये चीज़ भी लगेगी इन पावर ब्रेक में, जैसे पावर ब्रेक तो हो गए, डिस्क ब्रेक जैसे हो गए, ड्रम ब्रेक जैसे, इतने अच्छे नहीं आते हैं ये मतलब, लेकिन मेरे को ये लगाने पड़ेंगे यही साइकिल में मेन, क्योंकि साइकिल में दूसरे पावर ब्रेक पीछे मैं लगा नहीं सकता। इनको भी पावर ब्रेक बोलते हैं। ये देखो ये वायर थोड़ा रस्ट खा रखा है, यहाँ से भी रस्ट खा रखे है, क्योंकि एक ही पीस था उनके पास तो मैंने ये ले लिया। वैसे बाकी ये नए हैं, स्प्रिंग्स एकदम नई है, स्प्रिंग ही चाहिए थी मेन तो। और ये जो इनके अंदर डलेगी, ये देखो यहाँ पे जब अपन डाल के ऐसे। और एक एल की भी ले ली मैंने इनको टाइट करने के लिए, पहले इसमें 10 नंबर का एक नट डलता था। और ये है वायर, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी के हैं। अभी इनको भी खोल लेते हैं, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ लीवर। ऑलराइट गाइस, तो ये लीवर है दोनों, इनको कुछ ऐसे अटका रखे हैं, निकलेंगे कैसे, ये निकल गए, ये दोनों लीवर निकल गए। और ये ऊपर क्रोम का डिज़ाइन दे रखा है, इनको डालना काफ़ी डिफिकल्ट काम है। तो अभी मैं पहले ये वाला लीवर नहीं डालूंगा मैं, अभी अपन डाल जो लीवर डला हुआ है उसी में अपन सेट करेंगे। और ये अपने वायर्स हैं, इनको भी निकाल लेते हैं बाहर। और लाइट गैस, तो ये वायर है, ये बैक की है और ये फ्रंट है, दोनों वायर चेंज करेंगे अपन। लेकिन अभी डालेंगे अपन खाली बैक वाले ब्रेक्स। और यहाँ पे इसके अंदर आएगी रबड़ वगैरह सबके, और ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। तो इनकी प्राइस है, इन दोनों की प्राइस है 150 रुपीज़ इन दोनों की। और वायर की है, वायर की 50 रुपीज़ है दोनों वायर, एक वायर की सिंगल वायर की 50 रुपीज़। और ये ब्रेक है, इसकी 80 रुपीज़ है पर ब्रेक की। ये काफ़ी रेट हर जगह पे ऊंचे नीचे होते रहते हैं। तो अभी तो इसी ब्रेक में अपन डालेंगे और बाद में लीवर एक बार यही रखेंगे, जब आगे वाला डालेंगे तब दोनों लीवर नए कर देंगे अपन, लेकिन फिलहाल ये एक ही रखते हैं। और इसमें लीवर आएगा कहाँ पे, ये तो दिक्कत वाली बात होगी, इसको थोड़ा साइड कर देंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब ये देखो ये क्लीन हो गया है, ये फोकस हो जा,
तो अब ये क्लीन होते हो गए हैं। तो पहले अपन को लगानी है इसके ऊपर ग्रीस, तो सबसे पहले ग्रीस लगाते हैं अपन। ऑल राइट गाइस, तो ये रही अपनी पेट्रोलियम जेली जिसको बोलते हैं, और अभी इसको ओपन करते हैं। और ये रही ग्रीस का पूरा डब्बा का डब्बा है। तो अभी अपन यहाँ से कुछ ग्रीस लेते हैं अपने हाथ के ऊपर और अब यहाँ पे लगा देते हैं। थोड़ी थोड़ी लगानी है बस, ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी लगा दो ताकि ब्रेक है वो एक जगह पे चिपके नहीं, इधर उधर दबाएं तो प्रेस हो जाए अच्छे से स्मूथली और वापस भी आराम से आ जाए। तो यहाँ पे लगा दी है, बिल्कुल थोड़ी सी ग्रीस चाहिए। और यहाँ पे वैसलीन भी लगा सकते हो आप। अब उस तरफ भी लगा देते हैं। तो अभी इस तरफ भी लगा देंगे। और एक चीज और बता देता हूँ आपको, इसको हटा लेता हूँ एक बार। यहाँ पे आपको ये तीन होल दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे, अरे ज्यादा ही जूम हो गया, ये देखो यहाँ पे तीन होल, ये होल दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये तीन होल है यहाँ पे। तो अपन को डालना है इससे फर्स्ट वाले होल में, ऊपर से जो फर्स्ट वाला होल है इसी में अपन को ब्रेक डालना है। तो अभी इसके ग्रीस लगा देते हैं अपन और फिर डालते हैं अपने नए ब्रेक। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैंने यहाँ पे भी ग्रीस लगा ली है और ये दोनों जो है ब्रेक पैड वाले, तो इनके अंदर भी ग्रीस लगा ली है और दूसरी तरफ भी लगा ली है। तो अभी करते हैं इनको इंस्टॉल। तो ये देख सकते हो आप, मेरे पास ये दो है, तो एक लेफ्ट साइड का है और एक राइट का है। तो ये दोनों मैं बता देता हूँ आपको कैसे लगेंगे। तो ये इस तरीके से लगेंगे, ये देखो, तो इस तरीके से लगेंगे। एक राइट साइड में ये वाला लगेगा जिसके अंदर वायर है और लेफ्ट में ये लगेगा। तो ये दोनों अभी इंस्टॉल करते हैं। पहले अपन डाल देंगे लेफ्ट वाला इसके अंदर, और ग्रीस भी मैंने इसके ऊपर लगाई दी थी। तो ये देख सकते हो काफ़ी आसानी से इंस्टॉल हो गया। तो इसको इस तरीके से डालेंगे, लेकिन उससे पहले अपन को डालनी है इसके अंदर ये वाली स्प्रिंग डालनी है अपन को। उससे पहले ये स्प्रिंग को कैसे डालते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी। ये देख सकते हो यहाँ पे एक होल दे रखा है, तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से डलेगी, ये देखो नीचे से ऐसे हो जाएगी और ये ऊपर से ऐसे हो जाएगी। और यहाँ पे भी इसके अंदर होल दे रखे हैं अलग अलग टाइप के, ये देखो ये यहाँ पे आपको ये होल दिखाई दे रहे होंगे। तो ये अपन को अपने हिसाब से, या मैं तो इसको फर्स्ट वाले में डालूँगा जिसमें ये डल जाए आसानी से। तो ये फर्स्ट वाले में डल जाएगी आराम से। तो ये फर्स्ट वाले में डल गई और ये देखो ये टाइट भी हो गई है पूरी, ये देखो पीछे किस तरीके से आ रही है। तो ये एकदम सेट हो गई। और अभी इसके अंदर अपन को डालनी है नट। तो नट मैं बता देता हूँ कौन से डलेंगे। तो इसके अंदर डलेंगे ये वाले नट, ये नट भी मैं नए लेके आया हूँ, इसके अंदर दूसरे नट भी डलते हैं। तो ये नट डल जाएंगे इसमें आराम से, इसके अंदर ग्रीस डाल रखी है मैंने थोड़ी बहुत। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से पूरा टाइट हो रहा है, ये देखो अब ये यहाँ पे टाइट हो रहा है। तो इसमें इन नट में डलती है एल की, और कुछ ऐसे नट आते हैं जो खाली जो की होती है उनसे भी हो जाता है काम, लेकिन इसके लिए अपन को चाहिए होगी एल की। तो इसको इस तरीके से घुमा लेंगे अपन इसको डाल के ऐसे, और ये देखो तो इस तरीके से अपन इसको पूरा टाइट कर लेंगे। तो मैं इसको टाइट कर लेता हूँ और वो वाला भी आपको डाल के दिखा। ऑल राइट गाइज, तो अभी मैंने इन दोनों ब्रेक को फिक्स कर लिया है। और ये आपको लग रहा है ये ऐसे क्यों जा रहा है, ये इसके टच क्यों नहीं हो रहा, तो इसको आप उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको यहाँ से नीचे से लूज़ करके इसको आगे निकालेंगे, फिर यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। और ये वायर लेंगे अपन यहाँ से पूरा यहाँ से लेंगे इसके अंदर से, और यहाँ से वायर जाएगी कुछ इस तरीके से आगे। और लीवर भी अभी लगाने की सोच रहे हैं, तो लीवर भी अभी लगा लेंगे। और वो इस तरफ वाला इसमें उसके अंदर डल जाएगा जो कि आगे से ये ऐसा है, तो ये इसके अंदर डल जाएगा। ये अपन डालेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले अपन जो यहाँ पे वायर लगेगा उसको लाते हैं यहाँ पे, जो यहाँ से वायर आएगा ना लीवर से वायर आएगा,
तो उस वायर को अभी लाते हैं। तो वायर ये रहा अपना, ये रहे अपने दोनों वायर, ये देखो। तो ये दोनों वायर है, मैंने इनको इस तरीके से डाल रखा है। दोनों वायर नए डालेंगे, एक अगली वीडियो में डालेंगे क्योंकि ये वाली वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी, और क्योंकि मैं अकेला शूट कर रहा हूँ वो भी एक कारण है वीडियो लंबी होने का। तो यही वायर है, काफ़ी लंबा है वायर है। तो एक को ये जाएगा उस तरफ, ये उस तरफ चला जाएगा इस लीवर के अंदर, ये आपको दिखाता हूँ मैं। और इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं पूरे को, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ग्रीस वगैरह ऑयल वगैरह दे देंगे ताकि ये स्मूथ रहे, एकदम मस्त स्मूथ ब्रेकिंग होए। तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ बाद में। ऑल राइट गाइस, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये ग्रीस लगी हुई है इसके आगे, ये देखो। यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा क्योंकि काफ़ी पतला है, तो यहाँ पे एक ग्रीस लगी हुई है देखो, ये मेरे हाथ के। तो ऐसे में इस सारी के सारे वायर के अच्छे से लगा दूंगा, इसमें बिल्कुल थोड़ी सी ग्रीस लगेगी ताकि इसमें अगर अपन साइकिल को वॉश करें, पानी वगैरह जाए तो ये रस्ट ना पकड़े, और ये ऑयल ऑयल हो जाएगा इसमें पूरा अच्छे से। तो यहाँ तक पूरे में ग्रीस लग गई अच्छे से, और अब डाल देंगे अपन सीधा इसको हाथ में लेके इस वायर के अंदर, ये देखो। तो ये अब इसको अंदर डाल देंगे, ये पूरा अंदर अच्छे से चला जाएगा। तो ये पूरा एकदम सेट हो गया है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे पूरा सेट हो गया है। और अब इसको सेट करते हैं लीवर के अंदर। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं ये पुराना लीवर है इसको निकाल रहा हूँ, तो इसमें यही वाली एल की लग जाएगी। ये एल की काफ़ी काम की है, सभी में यही एल की यूज़ होती है। और एक मैं ले लेता हूँ ये 10 और 11 नंबर की जिससे आसानी से घूम जाए, ये देखो। कुछ इस तरीके से मैं इसके अंदर ये लगाऊंगा, और जिस तरफ मेरे को ये खोलनी है वहाँ पे एक बार अटका लेता हूँ इसको, ये देखो। तो इस तरफ ये टाइट हो रही है, वैसे ही इस तरफ ये लूज़ हो जाएगी, और ये ब्रेक भी देखो लूज़ हो गया है। तो अभी इसको यहाँ से, ये देखो यहाँ से लूज़ हो गया पूरा, और यहाँ पे लगा देंगे अपन नया लीवर और ये निकाल देंगे ताकि फिर एक नया और एक पुराना हो जाता है, क्योंकि आगे वाला लीवर टूट चुका है, इसलिए दोनों साथ में नए लीवर डाल देंगे अपन। और ये ब्रेक को हटा लेता हूँ मैं, पूरा बाहर निकाल लेता हूँ, ये देखो निकल भी गया, पूरा बाहर निकाल लेता हूँ, फिर नया लीवर डाल के आपको दिखाता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैंने यहाँ से ग्रिप निकाली, ग्रिप निकाल के फिर उस लीवर को कुछ निकाल लिया इस तरीके से, ये देखो। जैसे ये लीवर है तो वो यहाँ पे था, मैंने इस तरीके से निकाल लिया, और मैंने ये वाला तरीका सही लगाया क्योंकि यहाँ से अगर अपन इसको नट वगैरह खोल के डालते हैं और निकालते हैं तो टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अब मैं इस लीवर को इस तरीके से डाल दूंगा, ये देखो। तो ऐसे नया लीवर अपना डल गया है, और अब ये वाली ग्रिप है ये देखो। तो इसके अंदर थोड़ी बहुत ग्रीस लगा देंगे ताकि अगली बार जब भी अपन अपना लीवर निकालें और अपन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस मेन बात यही है। तो अभी मैंने इसके अंदर ग्रीस लगा दी है, देखो इतनी सारी बहुत है ग्रीस ये। और अब ये लीवर के अंदर डाल देते हैं, देखो। ये देख सकते हो यहाँ पे ये ग्रीस भी निकल के आ गई है बाहर, जितनी लगनी थी वो लग गई अंदर, और ये अपना लीवर भी लग गया है और ये भी लग गया है। तो ये ब्रेक को यहाँ पे टाइट कर देंगे अपन, यहाँ पे ब्रेक को टाइट कर देते हैं और इसके अंदर वायर भी लगाते हैं फिर। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैंने इसके अंदर वायर भी डाल लिया, और वायर को यहाँ से पूरा यहाँ से ले जाके यहाँ तक पूरा वायर आ गया है, और एक्स्ट्रा वायर वो उस तरफ निकल गया अपना। और अभी यहाँ पे जो ये वायर है इसके अंदर एक और चीज़ लगेगी, यहाँ पे एक और चीज़ लगेगी, वो मैं आपको बताता हूँ क्या लगेगी। तो यहाँ पे लगेगी एक इतनी सी छोटी सी चीज़, और इसको कहते हैं ब्रेक टाइटर, इसको बोलते हैं ब्रेक टाइटर क्योंकि ये जो पीछे की ब्रेक है इन दोनों को ये पूरी टाइट करती है। और अब इसको डाल देंगे इसके अंदर और इस तरफ से निकाल लेंगे इसे, जैसे यहाँ पे अब मैं इसको टाइट कर देता हूँ,
इसको की से टाइट करना पड़ेगा। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैंने इस नट को पूरा टाइट करने की कोशिश की लेकिन ये यहीं तक टाइट हो रहा है, ये देखो। तो यहाँ तक ये पूरा टाइट हो रहा है और बाद में यहाँ पे इसके अंदर जो ये ऐसी मनी हुई है तो ये यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो ये नट है ये पूरा ख़राब आ गया है। तो अभी ये नट निकालते हैं अपन। ये देखो यहाँ से समझ में आ रहा होगा आपको, ये यहाँ से तो पूरा मोटा है यार। यहाँ पे इस पर ये लाइन लाइन बनी हुई है लेकिन यहाँ पे लाइन नहीं है। तो ये पूरा नट ये ख़राब है पूरा नट, ये देखो। फोकस करे, हो जा फोकस। ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब लगाएंगे अपन ये वाला नट। तो ये नया नट है, इसको लगाते हैं अब। ऑल राइट गाइस, तो अभी अपनी साइकिल में अपने ब्रेक फिट हो चुके हैं। ये देखो कुछ इस तरीके से मैंने इनको सेट कर लिया पूरा, और यहाँ से वायर है और काफ़ी स्मूथ भी है, और इसको भी मैंने इस तरफ कर दिया। और बाकी ये वायर थोड़ा मेरे को बड़ा लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि अपने कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम सही है। जब अपन रन करेंगे तब ब्रेक टाइट नहीं होंगे, सही है। और यहाँ से इसको मैंने इस तरीके से अटकाया, ये देखो। तो ये इसमें इस तरीके से ये अटकता है और ये भी सही काम कर रहा है, ये देखो। बिल्कुल थोड़ा सा ही गैप बचा है इसके अंदर यहाँ पे, ये देखो। मैं आपको साइकिल रोटेट करके दिखाता हूँ, ये रबरे मार के दिखाता हूँ। जैसे ही ब्रेक मारे एकदम से साइकिल रुक गई, पीछे वाले ब्रेक फिट हो चुके हैं अपनी साइकिल में। और अब मैंने आपको कहा था अगर ये आपका टायर लूज़ है तो इसे कैसे रिपेयर करें। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना गैप है और ये टायर कैसे हिल रहा है, ये देखो पूरा टायर हिल रहा है। और ये इसके नट लूज़ है बेसिकली, ये यहाँ से इसके नट लूज़ है। ये नट मैंने थोड़ा बहुत टाइट किया है, तो अभी इन दोनों नट को निकालते हैं फिर बताता हूँ आपको। राइट गाइस, तो अभी मैंने टायर रिमूव कर लिया है और अब ये देखो ये पूरा बेरिंग है, ये अपना हिल रहा है बेरिंग, ये देखो। ये देखो यहाँ से ऊपर नीचे हो रहा है, ये देखो। तो अब उनको ये वाले नट है, ये इसके अंदर वाले नट, इनको टाइट करना होगा। तो इनको टाइट करता हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ। आपको दोनों तरफ से पकड़ के इन्हें, और ऐसे ये देख सकते हो इस तरफ से हो रहा है, ये देखो। तो ऐसे टाइट करना है, मेरे हाथ ग्रीस में भर जाएंगे। तो पहले मैं इसको टाइट कर लेता हूँ फिर आपको दिखा। ऑल राइट गाइस, तो अभी ये देखो मैंने यहाँ पे ग्रीस डाली इसके अंदर थोड़ी और इसको फिर से टाइट कर दी है। ऑलरेडी आपने एक वीडियो देखी होगी हाउ टू रिपेयर इट लूजिंग हब, और अब ये देखो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, ये देखो पहले कितना हिल रहा था। और ये रोटेट भी आसानी से हो रहा है, ये देखो। तो आसानी से ये पूरा रोटेट भी हो रहा है, ये देखो। और अब ये एकदम सही है, और इसके अंदर ग्रीस वरीस डाल दी है। और अब एक्सल अभी ख़राब नहीं हुआ, एक्सल जब ख़राब हो जाएगा तब इसके अंदर एक छोटी छोटी गोली होती है तो वो गोली निकल जाती है, तब ये पूरा रोटेट नहीं होता आसानी से। लेकिन अब ये रोटेट हो रहा है पूरा एकदम, तो अभी ये एकदम सही है। और अभी इसको फिर से अपनी साइकिल के अंदर लगा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं स्किट कि ब्रेक कैसे लगाए हैं मैंने और कैसे काम कर रहे हैं, एक नंबर। राइट गाइस, तो अभी अपन अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं और ये है हमारे गांव का स्कूल। तो यहाँ पे अपन साइकिल की स्किट करेंगे, ऊपर नहीं नीचे करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो वैसे भी ट्रैक्टर वगैरह आते रहते हैं। तो यहाँ पे अपन स्किट करेंगे, यहाँ पे मैंने ट्राई भी कर रखी है देखो टायर वगैरह। तो यहाँ पे साइकिल चलाने में खूब ज़्यादा मज़ा आ रहा है और भाग भी रही है साइकिल खूब सारी। तो अभी यहाँ पे करते हैं स्किट और आप देखो, लेट्स गो।